पहले आज इस बहुत ही सुंदर जो आप देख रहे हो बारिश हो रही है, ऊपर वाले भी सभी हमारे पे मेहरबान हैं। तो आज का जो गोविंदा पथक है जिसमें सभी लोग आज यहाँ पे आप देख रहे हो महिलाओं का सबसे बड़ा पथक यहाँ उपस्थित है, सभी इंजॉय कर रहे हैं। आज दही हंडी का माहौल है और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि हमारी अध्यक्ष आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ इस कार्यक्रम में अब थोड़ी देर में पहुंच रही है। उसी तरह हमारे माजी मंत्री असलम शेख जी भी यहाँ पे उपस्थित होंगे। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने जो अन्याय हो रहा था, जो तकलीफ हो रही थी, उस सभी चीज़ का उन्होंने किस तरीके से अंत किया, उसी तरह सभी को लेके जो चले, आपने देखा कि उनके ग्वाले सब जन, उनके लोग, पूरा नगरी उनके साथ थी और उन्होंने किस तरीके से वध किया और किस तरीके से वो एक मैसेज देना दिया उन्होंने कि सबको एक साथ लेके जो अन्याय हो रहा है। आज आप देख ही रहे हो कि हमारी आज की जो हंडी है ये स्पेशल हंडी कांग्रेस की हंडी है, जिसमें हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें लड़ना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमें लड़ना है तो हुक्मशाही के खिलाफ, हमें लड़ना है तो महंगाई के खिलाफ, हमें लड़ना है तो बेरोजगारी के खिलाफ, हमें लड़ना है तो महिला अत्याचार के खिलाफ, हमें लड़ना है तो संविधान बचाने के लिए। तो इस तरीके से आप देख ही रहे हो कि कितने सारे अन्याय हो रहे हैं, महिलाएं खासकर महिलाओं पे कितना अत्याचार हुआ है। अभी अभी मणिपुर में हम देखें क्या स्थिति थी, न्याय नहीं मिला, वो बेचारे पहलवान, महिला पहलवान इतने महीने बैठे रहे सड़क पे, उनको न्याय नहीं मिला। तो ये सरकार जो है ये सारी महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इस सरकार को हटाना चाहते हैं। आज दही हंडी का कृष्ण भगवान जी का एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें इसके खिलाफ लड़ना है, सभी लोगों को एक साथ करना है। और आपने देखा इंडिया अलायंस में भी कितनी बड़ी बात हो गई है, आज इंडिया अलायंस से किस तरह बीजेपी और नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं, उन्होंने इंडिया का नाम भी बदलने के लिए प्रस्ताव कर दिया, तो वो कितने घबराए हुए हैं। तो सभी लोग एक साथ आए और इस अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी और लोगों के हित के लिए लड़ेगी, गरीब जनता के लिए लड़ेगी, आम आदमी के लिए लड़ेगी। बस हमारे दही हंडी का यही मैसेज है कि कांग्रेस आए और जल्द से जल्द बीजेपी को हटाए। दही हंडी का कार्यक्रम पहली बार हम कर रहे हैं, इसमें कोई बोलने में परहेज नहीं है। और दही हंडी के लोखन वाला जो डीपी रोड है, जो जनता यादव के प्रयास से शुरुआत हुआ था, इस रोड का काम 2013 में 2012 के दिसंबर से, और ये रोड बन के तैयार हुआ है। कुछ कारणों से पिछले 7 साल से जो यहाँ पे लोग है उन्होंने इस रोड के बारे में कुछ किया ही नहीं, रोड के बारे में कुछ किया नहीं, और जब खाली राजनीति करते रह गए। तो हमने कृष्ण भगवान जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर इस रोड पे दही हंडी का कार्यक्रम रखे कि कम से कम कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिले और रोड की शुरुआत हो, रोड जो यहाँ के लोगों की तकलीफ है, जो कांदिवली की समस्या है, उस समस्या का समाधान हो। रही दूसरी बात आपने समस्या सुरक्षा के बारे में, यहाँ पे एम्बुलेंस की हमने एक व्यवस्था की है, बगल में एप्स हॉस्पिटल के पूरे डॉक्टर हैं, उनके नर्स हैं, उनके पुलिस काम है, स्टाफ है, पूरे लोगों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगल बगल जब गोविंदा पथक खड़े रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए अगल बगल सब खड़े रहते हैं। महिला पथक ने और क्या कहेंगे महिलाओं के लिए जो इस तरह से अभी बाल गोपालाओं के बीच में गोविंदाओं की तरह आती है? ये बात कांग्रेस पार्टी ने आज के बहुत साल पहले समझ ली थी। सबसे पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया, बाद में 50% आरक्षण देने का काम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं को हुआ। महिला आज एक ताकत है, एक शक्ति है, और उस शक्ति के बिना कोई पूर्ण नहीं हो सकता है। तो आज पूरे देश में महिलाएं कदम से कदम मिला के चल रही है, उसी प्रकार अब दही हंडी का भी आपने देखा कि महिलाओं ने यहाँ पे दही हंडी तोड़ने का कार्यक्रम किया है। कितने पदक अब तक आ चुके हैं? अब तक करीब 12 पदक आ चुके, 12 से 13 पदक आ गए, करीब 10 बजे रात तक और पदक आएंगे, करीब 60-70 पदक आने की आशा है। क्या हमारी बख्शीश 1,11,111 है,
जो 5 थर लगाएंगे उनको 1000 रुपए, जो 6 थर लगा रहे उनको 1500, जो 7 थर लगा रहे उनको 2000 रुपए की बख्शिश दे रहे हैं। अभी लोगों की ये डिमांड भी थी कि बारिश की आवश्यकता है, कम बारिश हो रही है तो ऊपर वाले ने वो भी बरसा दिया है। और आज हमेशा आप देखेंगे कि जन्माष्टमी के दिन में बारिश तो आना ही आना है, और आज के बारिश देखने के बाद में ये वातावरण पूरा शांत हुआ है। मैं सभी को, मुंबई वासियों को शुभेच्छा देता हूँ, आने वाला साल सबके लिए अच्छा जाए, क्योंकि हम जब थर लगाते हैं तो हमारा एक ध्येय होता है, वो ध्येय की जो हमारी इच्छा होती है वो जब हंडी फूट जाती है उसका मतलब ये है कि हमारी इच्छा की पूर्ति करना। तो हम सब लोग आने वाले समय में इस देश में, हम तो कांग्रेसी लोग हैं, हम चाहेंगे कि कांग्रेस के की सरकार बने और हमारी जो ये हंडी के रूप में एक कांग्रेस की सरकार देश में बने और राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, ये हमारी सदिच्छा है। वर्षा गायकवाड़ जी, राजपत जी यादव और राजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ आप विशेष रूप में देखेंगे कि एक महिलाओं को विशेष प्राधान्य दिया गया है इस हंडी को तोड़ने के लिए। इसका मतलब ये कि इस देश के जो विकास के सहभाग में महिलाओं का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। मेरे साथ में यहाँ पर तिलोत्तमा जी है, किशोर सिंह, शीतल मात्रे और सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हर लोग अपने अपने जगह पे भी ये करते हैं। मुझे यहाँ पर आपने पूछा, मैं आपके आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने बारिश में आप भी इसको कवरेज दे रही है। सबसे पहले मैं आज के दही हंडी के शुभ अवसर पे, भगवान कृष्ण का जन्म कल रात को 12 बजे हो चुका है, मैं सभी देशवासियों को, यहाँ के सभी जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भगवान उनके जीवन में भी खुशियाँ ले आए। ये आपको बताइए है कि जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है। भगवान कान्हा ये भी मटकी फोड़ते थे और मटकी छुरा के वो अपना मक्खन खाते थे, उसी के तर्ज पे ये पूरे हिंदुस्तान में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में ये दही हंडी मनाया जाता है, जहाँ पर हम लोग दही बाल गोपाल जो भी है ये लोग अपना दही हंडी फोड़ते हैं और इसको बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं। क्योंकि इसका आयोजन पूरे मुंबई शहर में हो रहा है और कांग्रेस, हमेशा से कहता हूँ, सर्व जात धर्म प्रांत संभाव की भावना वाली है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई अलगाववाद नहीं है। तो हम लोग बड़े बड़े प्यार से मनाते हैं, भगवान कृष्ण की हम पे असीम कृपा होने वाली है। आने वाला समय और आने वाला दिन सिर्फ कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस का ही रहेगा, क्योंकि हम सबको लेके चलने वाले हैं। हम लोग वाद विवाद में पढ़ते नहीं हैं, हम लोग भारत इंडिया में पढ़ते नहीं हैं, हमारा देश एक है, हम उसको उसमें समानता, समता और बंधुत्व और भाईचारे पर हम चलने वाले लोग हैं।